हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदी किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही चटपटा और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। वो है एक स्नैक वेजिटेबल कटलेट या वेजिटेबल चॉप। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ वेजिटेबल्स चाहिए और कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं, और साथ ही क्रिस्पी कैसे बनेगा उसका टिप्स भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून वाइट ऑयल, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। अब मैं कुछ नारियल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, उसको फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून लिया है। अब मैं 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लिया, अब इसको रख दिया। अब मैं मूँगफली कुछ ले लिया, मूंगफली को मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, इसको भी मैं फ्राई करूंगी 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में। ध्यान रखें कि जल ना जाए, फिर ख़राब हो जाएगी, कड़वा हो जाएगा। अब उसी तेल में लो फ्लेम में मैं डाल दिया 1/2 टीस्पून अदरक, 1/2 टीस्पून हरी मिर्च पेस्ट। अब इसको मैं 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ बीटरूट, तो जैसे आप देख सकते हो बीटरूट बहुत ही पतला पतला लंबा लंबा काटा है ताकि जल्दी पक जाए। अब मैंने 1.5 कप कटा हुआ बीटरूट लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर, गाजर को भी मैंने सेम 1.5 कप ही लिया है और सेम साइज़ में काटा है, लंबा छोटे छोटे लंबे में और पतला सा। अब मैं दोनों चीज़ को थोड़ा फ्राई कर लूँगी 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, यहाँ मैं 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि और भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यहाँ जाएगी तो नमक की ज़रूरत है। अब मैं डाल रही हूँ चीनी 4 टीस्पून, क्योंकि ये जो वेजिटेबल कटलेट होती है स्वाद में थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन होता है। अब मैं 4 से 5 मिनट फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, पानी मैंने डाल दिया 1/3 कप, जो जहाँ मैंने हरी मिर्च पीसा था वही पानी को धोल के मैंने डाल दिया, तो 1/3 कप पानी डाल दिया। अब मैं लो फ्लेम में इसको पकाऊंगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो आप जैसे देख सकते हो बिल्कुल सूख गया है और पक भी गया है। अब मैं इसमें डाल दिया घी, घी मैंने घर पे बनाया है और घी का इन रेसिपी मैंने एंड स्क्रीन पे दे दिया है, आप देख लेना। अब मैं डाल दिया आलू, आलू मैंने डाला है 2 मीडियम साइज़ बॉयल्ड आलू। अब फ्लेम अभी भी मीडियम पे है। अब मैं थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लूँगी, साथ ही साथ थोड़ा मसल रही हूँ इसी स्पैचुले से, अब थोड़ा फ्राई भी कर रही हूँ। तो घी मैंने 1 टेबलस्पून डाला था, तो घी आलू सारे चीज़ को मैं फ्राई कर रही हूँ ये गाजर वगैरह के साथ। अब फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो अभी आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया, और जो घी का मैं बता रही थी फ्रेंड्स कि एक ही मलाई से 2 बार घी निकल सकते हो, और अब मैं स्मैश कर रही हूँ, पूरा स्मैश कर दिया अच्छे से। अब मैं इसमें मिलाऊँगी मटर, हरा मटर, ग्रीन पीस 2 से 3 टेबलस्पून। अब मैं इसमें किशमिश मिला दिया 1 टेबलस्पून। अब मैं मिला रही हूँ हरी धनिया के पत्ते, और जो नारियल मैंने फ्राई करके रखा था वो, और जो मूंगफली फ्राई करके रखा था वो। अब सारे चीज़ को मैं अच्छे से फिर से मिला दूंगी, अभी फ्लेम लो है, इसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब जो आलू हमने यूज़ किया है, 2 कारण, एक तो आलू बाइंडिंग एजेंट के हिसाब से यूज़ हो रहा है कि टाइट करेगा हमारे इस मिक्सचर को, दूसरा आलू टेस्ट भी देगा। आलू का अपना एक स्टर्च है, वो बाइंडिंग एजेंट के हिसाब से यूज़ होगा और साथ में टेस्ट आएगा। अब फाइनल बाइंडिंग की एजेंट के हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं मिल्क पाउडर। बहुत लोग यहाँ यूज़ करते हैं ब्रेड क्रम्स, लेकिन ब्रेड क्रम्स जो है टेस्ट कम कर देता है, इसलिए हमने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा ज़्यादा लेना, मिल्क पाउडर बाइंड भी कर देगा हमारा इस मिक्सचर को, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। लेकिन ब्रेड क्रम्स होने से सिर्फ मिक्स होता है, उतना टेस्ट अच्छा नहीं देता, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसलिए आपसे शेयर किया। अगर आपको मन है तो आप ब्रेड क्रम्स डाल देना, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर यूज़ करा, आप देख सकते हो 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर से ही अच्छा बाइंड हो गया है, एक सब कुछ एक साथ समेट के एक ही जगह आ रहा है तो अच्छा बाइंड हो गया है। अब मैं मिला रही हूँ वेज मैजिक मसाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेसिपी के लिए। वेज मैजिक मसाला का इंग्रेडिएंट रेसिपी मैंने एंड स्क्रीन पर दे दिया है, और मैंने मिला दिया गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। तो वेज मैजिक मसाला मैंने मिलाया 2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब गैस को ऑफ कर दिया है और बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, और मिक्सचर को थोड़ा ठंडा भी कर लूँगी। अब जो हमारा मिक्सचर है वो धीरे धीरे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैं बना रही हूँ स्लरी, स्लरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ले रही हूँ पहले 2 टेबलस्पून मैदा, जो ऑल पर्पज़ फ्लावर होता है, और इसमें मैं मिलाऊँगी 3 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून पानी।
अब जो हमारा ये स्लरी बनेगा ये ना बहुत पतला होगा ना बहुत थिक या घना, तो ये मीडियम थिकनेस होगी। वो कितनी थिक होगी मैं दिखा रही हूँ और मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, 2 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून पानी। तो फिलहाल 2:3 इस रेशियो में हमने स्लरी बना लिया है, आगे हम इसको ही यूज़ करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो फिर बना लेंगे सेम रेशियो में। तो मैं पहले 2 टेबलस्पून पानी मिलाया था, अब मैं और 1 टेबलस्पून मिला रही हूँ। तो अब देख सकते हो इसका थिकनेस, अब बहुत ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स। जो यहाँ मैंने घी भी घर का यूज़ किया है, घी का रेसिपी मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, देख लेना। जो एक ही मलाई से आप 2 बार घी निकाल सकते हो। जो ब्रेड क्रम मैं यूज़ करूँगी वो भी घर का बना हुआ है, घर पे ब्रेड क्रम कैसे आसानी से बना सकते हो उसका रेसिपी भी मैंने एंड स्क्रीन पे दे दिया है। और जो वेज मैजिक मसाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका रेसिपी भी मैंने एंड स्क्रीन पे दे दिया है, वो भी देख लेना। अब मैं वेजिटेबल जो कटलेट है वेजिटेबल चॉप को शेप दे रही हूँ, आप अपने मनपसंद शेप देना, मैं थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ। लेकिन ध्यान रखें जब आप शेप दे रहे हो तो ज़रूरी ये है कि आप सारा जो इन्ग्रीडियंट्स है जैसे मूँगफली और जो हमने किशमिश डाला था, फिर हरा मटर, ये जो ग्रीन पीस है, सारा जो चीज़ है ये बहुत टेस्ट देता है आपको पता है। तो ये सारा चीज़ ना हर एक कटलेट के अंदर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ कटलेट में जाए कुछ में ना जाए। अब हम क्या करेंगे, हम स्लरी में इसको डुबोएंगे और फिर दूसरे हाथ से, क्योंकि एक हाथ हमारा थोड़ा भीगा हो गया ना, भीग गया तो इसलिए हम दूसरे हाथ से इसको कोट कर लिया हमारे ब्रेड क्रम से। ये ब्रेड क्रम मैंने घर पे बनाया है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो मार्केट से लिया हुआ ब्रेड क्रम भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है घर पे बना हुआ ब्रेड क्रम का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब इस ब्रेड क्रम से कुछ भी फ्राई करो ना स्नैक्स, इसका जो स्नैक्स का टेस्ट है ना वो दुगना हो जाता है। तो कोशिश करिए घर पर ब्रेड क्रम बनाए, बहुत ज़्यादा आसान है, देख लेना, एंड स्क्रीन पर मैं रेसिपी दे दूँगी। तो फर्स्ट कोटिंग हमारा हो गया, अब सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जो वेजिटेबल कटलेट होता है वेजिटेबल कटलेट में वेजिटेबल थोड़ा सॉगी होता है, काफ़ी पानी होता है, हमने टाइट कर लिया लेकिन ये थोड़ी देर जब रहेगा ना वो पानी छोड़ देगा और क्रिस्पी नहीं होगा, इसलिए हम डबल कोटिंग कर रहे हैं ताकि बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाए हमारे कटलेट्स। तो सेम प्रोसेस में हम दोबारा उस स्लरी में उसको डिप किया और ब्रेड क्रम में कोट कर लिया। अब सारे ऐसे ही मैं बाकी कटलेट्स को भी कर लेती हूँ। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं दिखाऊंगी, जैसे आपका कटलेट्स जो है हमेशा क्रिस्पी ही बनेगा उसका ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, देखते रहिए रेसिपी को एंड तक। तो ऐसे मैंने देख अगर आपको अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए। और देखिए मेरे सारे कटलेट्स रेडी है, अब मैं इन कटलेट्स को रखूँगी फ्रीज के अंदर 2 से 3 घंटे ताकि सारे कटलेट्स जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाए जब मैं फ्राई करूँगी। अब मैं फ्राई के लिए बहुत सारा ऑयल ले लिया, वाइट ऑयल, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी, अच्छा फ्लेवर के लिए। अब मैं कटलेट्स को पहले मीडियम फ्लेम में फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट, उसके बाद मैं हाई फ्लेम में फ्राई करूँगी 3 से 4 मिनट ताकि कटलेट बहुत अच्छे से क्रिस्पी बने। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे कोई भी ऐसा रेसिपी इंटरेस्टिंग सी आए तो सबसे पहले आप ही तक पहुँच जाएगी। कैसा लगा आज की रेसिपी फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताना।